हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 9th का एक्सरसाइज 1D का टोटल क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है ऐड करने के लिए। हम लोग पढ़ रहे थे रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिया गया है रेशनल इरेशनल का, इसको ऐड करना है हमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है 2√3 माइनस 5√2, ठीक है। प्लस हमें करना है किसके साथ, √3 प्लस 2√2 के साथ, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। ये प्लस में, तो ये प्लस 2√2, देखिए √2 वाला √2 के साथ ऐड होगा और √3 वाला √3 के साथ ऐड होगा। तो यहाँ 2√3 है और यहाँ 1√, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ना, 1√3 है। तो ये हो जाएगा आंसर 3√3, और ये दोनों को अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, तो ये -3√2। अगर यहाँ से आप कॉमन करना चाहें तो 3 को कॉमन कर सकते हैं, √3 -√2 भी आपका मतलब इस तरीके से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड नंबर अगर क्वेश्चन देखें, 1 का सेकंड, ठीक है। तो सेकंड नंबर में दिया गया है 2√2 प्लस 5√3 -7√5, और हमको ऐड किसको करना है, 3√3 माइनस √2 प्लस √5 को, ठीक है। तो √2 जो है वो √2 के साथ जाएगा, तो यहाँ 2 है और यहाँ -1 है, तो आ जाएगा √2, ठीक है। ये √3 जो है वो √3 के पास जाएगा, तो ये 5 और ये 3 कितना हो जाएगा, 8√3, और ये दोनों एक साथ कंबाइन करेगा तो यहाँ हो जाएगा -6√5, ठीक है। क्योंकि -7 और यहाँ +1 है, तो ये दोनों सॉल्व हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखें, तो थर्ड नंबर दिया गया 2/3√7 -1/2√2, ठीक है। 1/2√2 प्लस 6√11 प्लस किसको करना है, 1/3√7 प्लस 3/2√2, और लास्ट में है प्लस √11, ठीक है। अब देखिए, तो √2/3√7, तो √7 किससे ऐड होगा, √7 वाले टर्म के साथ, तो प्लस 1/3√7, ठीक है, माइनस 1/2√2, और ये √2 इसके साथ सॉल्व होगा, 3/2√2, ठीक है। और ये जो है हमारा √6 6√11 प्लस √11, तो ये इस तरीके से दो दो करके कंबाइन होगा, ठीक है। अब देखिए, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 3/3, ठीक है। ये दोनों को अगर कंबाइन करें 2/3, जैसे इस तरीके से √7 को हम कॉमन कर लें तो आएगा 2/3 प्लस 1/3, ठीक है। यहाँ से अगर प्लस √2 को हम कॉमन करें तो आएगा कितना, 3/2 -1/2, ठीक है। इसको मैं पहले लिखा हूँ, इसको बाद में लिखा हूँ, और ये दोनों में से अगर √11 को कॉमन करें तो 6+1, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1, ठीक है, 3/3 1 आ जाएगा, तो ये √7 प्लस ये देखिए, तो अगर इसको आप सॉल्व करें तो ये भी 1 आ जाएगा, 3 -1 2, और 2/2 = 1, तो √2, और ये दोनों को सॉल्व करें तो 7√11। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन अगर थर्ड तो हो गया, सेकंड नंबर अगर देखें क्वेश्चन, तो मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में पहला नंबर क्वेश्चन है 3√5 × 2√5, ठीक है। ये दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो 3 × 2 = 6, √5 × √5 कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। जैसे √5 × √5 तो ये होता है 5, ठीक है, तो ये 5 = 30। सेकेंड नंबर अगर क्वेश्चन हम देखें तो 6√15 है, और दूसरा क्या है, √4 √3 है। तो अगर 6 4 जा, ये तो हो गया 6 4 जा, 6 × 4 √15 √3, ठीक है, ये 24 हो गया। लेकिन इसमें से आप क्या कर सकते हैं, √3 × √5, √15 को आप √3 × √5 लिख सकते हैं, और इधर √3 है, तो ये √3 √3 3 निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 72√5, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। थर्ड नंबर अगर इसका क्वेश्चन देखें, थर्ड नंबर इट मीन्स ये, तो 2√6 × 3√3 है, ठीक है। तो 3√3 है, तो यहाँ पे अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो 2 × 3 √6 √3, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, 2 × 3 × इसको हम सॉल्व कर करके √2 × √3 × √3 लिख सकते हैं, मतलब √6 को हम ब्रेक करेंगे दो पार्ट में, ठीक है। रूट
सिक्स को हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे रूट टू और रूट थ्री में, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिक्स इंटू, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो थ्री, और ये रूट टू, तो ये आ जाएगा 18√2। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। फोर नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर नंबर दिया गया है 3√8 × 3√2, तो ये 3 × 3 × √8 × √2, ठीक है। तो ये देखिए, तो इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो √16, और √16 का वैल्यू 4 आता है, तो 3 × 3 × 4 लिख सकते हैं, 3 × 3 = 9, 4 = 36, ठीक है, ये 36 है। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट हम लोग चलेंगे, ठीक है, क्योंकि एक वीडियो में टोटल क्वेश्चंस देना बहुत दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका था फोर तक। फाइव नंबर अगर देखें, फाइव नंबर देखें तो फाइव नंबर में दिया गया है √10 × √4 = 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा √400, और 400 का रूट अगर फाइंड आउट करें तो 20, ठीक है। सिक्स नंबर अगर देखें तो सिक्स नंबर दिया गया है 3√28 × 2√7, तो इसको अगर सॉल्व करें तो 3 × 2 × √28 × √7, ठीक है। तो 3 × 2 = 6, इसको हम क्या कर सकते हैं, √28 को हम लिख सकते हैं √7 × √4 × √7, ठीक है। देखिए 6 × √7 × √7 = 7, और √4 का वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 84, मल्टीप्लाई आपको कर देना है। तो ये हमारा सिक्स तक हो गया ना, ये 3√28, हाँ सिक्स तक हो गया। अब डिवाइड हम मीन्स क्वेश्चन नंबर 3 जो कि डिवाइड से रिलेटेड है, तो डिवाइड हमें करना है। वन नंबर अगर हम देखें 16√6 / 4√2, ठीक है, 4√2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 × √2 × √3 लिख सकते हैं, रूट सिक्स को ब्रेक करेंगे, 4 × √2, इससे ये कैंसिल और ये 4 टाइम्स में, तो आ जाएगा आंसर 4√3। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 का 2 अगर हम देखें तो 3 का 2 में क्या है, 12√15 है, 12√15 है, और इसको हमें डिवाइड किससे करना है, 4√3 से। तो बहुत सिंपल है, 12, 15 को आप ब्रेक कीजिए, √5 × √3 में ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ 4 × √3 है, तो ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, और ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, आंसर हमारा 3√5 आया। 3 नंबर इसका देखते हैं, ठीक है। 3 नंबर अगर देखें तो हमारे पास है क्वेश्चन 18√21, और इसको डिवाइड करना है 6√7 से, तो 18 × √21 को √7 × √3 लिख सकते हैं, और ये रूट मतलब जो नीचे वाला है उसको कॉपी कर दे रहे, ठीक है, ये √7 से √7 कैंसिल, और ये 3 आ गया, तो 3√3 आंसर यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास सिंप्लीफाई करना है, 4 नंबर क्या करना है, सिंप्लीफाई, या फिर कहें कि प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो 4 का अगर पहला नंबर देखें तो 3 − √11 और 3 + √11, तो देखिए a + b × a − b के फॉर्म में है, ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, a − b × a + b इज इक्वल टू होता है a² − b², तो ये a, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो जस्ट ये आंसर होगा हमारा, तो 3 का² − √11 का² तो ये कितना आ जाएगा, 3 का² 9 − √11 का √11 का² 11, तो आंसर हमारा −2 आ जाएगा। आप किसी तरीके भी सॉल्व कीजिएगा, मतलब सिंपल सा प्रोडक्ट भी कीजिएगा तो आपका यही आंसर होगा, और डायरेक्टली अगर आप फॉर्मूले पे बेस्ड सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप नाइन्थ जो ये नंबर सिस्टम है, 8 में भी आप ये सब फॉर्मूला जो है वो पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 4 का 2, तो 4 का 2 में दिया गया है −3 + √5 × −3 − √5, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए −3 को a मान लीजिए और √5 को b मान लीजिए, ये पूरा माइनस को हम इन्वॉल्व करके चल रहे हैं, ठीक है। तो −3 को a, और मतलब कि a = −3 and b = √5, तो ये भी a + b, ये टोटल को हम a मान रहे हैं, तो a + b × a − b है, तो हो जाएगा क्या फॉर्मूला हमारा, a² − b², तो a का वैल्यू −3² − √5² तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, क्योंकि माइनस में अगर माइनस है और अगर जो पावर है वो इवन है तो उसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और यहां से 5 = 4। 3 नंबर अगर क्वेश्चन देखें, 3 नंबर में दिया गया 3 − √3² तो इसका a − b² पे ब्रेक करेंगे, और a − b² क्या होता है, a² + b² − 2ab, ठीक है, तो a² मतलब 3 का स्क्वायर + √3²
माइनस टू इंटू थ्री रूट थ्री, ठीक है। तो थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस इसका वैल्यू हो जाएगा थ्री और माइनस सिक्स रूट थ्री, ये हो जाएगा ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस सिक्स रूट थ्री, या फिर आप सिक्स को कॉमन करें तो टू माइनस रूट थ्री, ये आपका आंसर होगा। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करें, ओके। अगर आपको कुछ ऐसा ये इश्यू भी लगे कि हाँ कुछ और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो प्लीज आप कमेंट भी करें, तो वहां पर इम्प्रूव करने की जो भी आवश्यकता आपको लगे तो इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा थ्री हो गया। फोर नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर नंबर क्वेश्चन है हमारा रूट फाइव माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर। तो ये भी रूट फाइव का होल स्क्वायर प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू रूट फाइव इंटू रूट थ्री। इसको सॉल्व करेंगे तो रूट फाइव का फाइव प्लस रूट थ्री का थ्री वैल्यू आ जाएगा, टू रूट फिफ्टीन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एट माइनस टू रूट फिफ्टीन, ठीक है। यहाँ से टू को आप कॉमन भी कर सकते हैं, टू को अगर कॉमन करें तो फोर माइनस रूट फिफ्टीन भी आ जाएगा आंसर। फाइव नंबर अगर आप सॉल्व करें तो फाइव नंबर में दिया गया फाइव प्लस रूट सेवन इंटू टू प्लस रूट फाइव। तो इसको आप सॉल्व करना चाहें तो आप सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन आप करें, तो इसको आप सिंपल अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। रूट सेवन इंटू टू प्लस, मतलब कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ टेन प्लस फाइव रूट सेवन प्लस टू रूट सेवन प्लस थर्टी रूट थर्टी फाइव, ठीक है। तो यहाँ से टेन और ये फाइव और टू कितना हो जाएगा सेवन रूट सेवन प्लस रूट थर्टी फाइव, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। चलिए सिक्स नंबर, इट मीन्स जो क्वेश्चन नंबर फोर है उसका लास्ट क्वेश्चन, फिर इस टोटल क्वेश्चन को इरेज करके नेक्स्ट वाले जो भी बचे हुए क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो सिक्स नंबर में दिया गया है कितना, रूट फाइव माइनस रूट टू इंटू रूट टू माइनस रूट थ्री। तो सिंपल सा एक्सपेंशन करेंगे इसका, रूट फाइव इंटू रूट टू माइनस रूट थ्री माइनस रूट टू इंटू रूट टू माइनस रूट थ्री, ठीक है। अब ये हो जाएगा रूट फाइव इंटू टेन, तो फाइव इंटू टू टेन हो जाएगा, यहाँ पे रूट फिफ्टीन हो जाएगा, ठीक है। माइनस रूट फोर हो जाएगा और ये प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, रूट सिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो इसका तो वैल्यू टू आ जा रहा है, लेकिन और बाकी जो एक्सपेंशन है वो नहीं ब्रेक कर पा रहा है, ठीक है। इसको आप क्या ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख सकते हैं रूट फाइव इंटू रूट टू, रूट फाइव इंटू रूट टू भी लिखेंगे, इसको रूट फाइव इंटू रूट थ्री और इसका रूट थ्री इंटू रूट टू। तो आप इसी तरीके से इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे बस इसको टू लिख दीजिए, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी बचे हुए उसको देखते हैं। फाइव नंबर में दिया गया सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। तो फाइव नंबर हमारे पास है थ्री प्लस रूट थ्री इंटू टू प्लस रूट टू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर कर लेते हैं फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा फोर प्लस, मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो टू प्लस टू इंटू टू इंटू रूट टू, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ फोर रूट टू, ठीक है, फोर रूट टू। अब इसको इससे प्रोडक्ट करना है तो सिंपल सा प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, ये देखिए, ये आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं थ्री प्लस रूट थ्री इंटू, इसको आप लिख सकते हैं सिक्स प्लस फोर रूट टू, ठीक है। अब इसको आप सिंपल सा प्रोडक्ट कीजिए फोर रूट टू प्लस रूट थ्री इंटू सिक्स प्लस फोर रूट टू, ठीक है। ये आई थिंक आपको यहां तक समझ आ गया होगा। चलिए इसका प्रोडक्ट करते हैं, एटीन प्लस ट्वेल्व रूट टू प्लस सिक्स रूट थ्री, ठीक है, सिक्स रूट थ्री प्लस फोर रूट सिक्स, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का एक्सपेंशन आया। देखिए यहाँ पर आप इसको तो ब्रेक कर सकते हैं रूट टू और रूट थ्री दोनों के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर एक में रूट टू है एक में रूट थ्री है, तो आप इसी तरीके से इसको आंसर को छोड़ दीजिए, या फिर दूसरा आप काम कर सकते हैं रूट टू को कॉमन करके आंसर को मेंशन करना, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। सिक्स नंबर में दिया गया एग्जामाइन करने के लिए वेदर द फॉलोइंग नंबर आर रेशनल और इरेशनल, मतलब जो दिए गए नंबर है उसमें रेशनल कौन सा और इरेशनल कौन सा है। तो पहला अगर हम देखें तो फाइव माइनस रूट फाइव इंटू फाइव प्लस रूट फाइव, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा फाइव का स्क्वायर माइनस रूट फाइव का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करें तो ट्वेंटी फाइव माइनस फाइव इज इक्वल टू ट्वेंटी विच इज रेशनल। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। इसका सेकेंड नंबर अगर देखें तो रूट थ्री प्लस टू का होल स्क्वायर है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर
प्लस टू इंटू रूट थ्री इंटू टू। इसको हम सॉल्व करें तो थ्री प्लस फोर, ठीक है, ये हो जाएगा थ्री प्लस फोर प्लस फोर रूट थ्री। तो देखिए तो यहाँ पे ये तो सेवन प्लस फोर रूट थ्री आ जा रहा है, तो ये तो इरेशनल, रूट थ्री तो इरेशनल है, मतलब कि ये टोटल क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, काफी इजी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इट मीन्स सिक्स का थ्री, सिक्स का थ्री रेशनल होगा। ठीक है, थ्री नंबर क्या कैसे होगा ये मैं बताता हूँ आपको। टू रूट थर्टीन डिवाइडेड बाई थ्री रूट फिफ्टी टू माइनस फोर रूट वन वन सेवन। तो देखिए टू रूट थर्टीन, यहाँ पे ये दोनों में से रूट थर्टीन को कॉमन करिए। ठीक है, रूट थर्टीन को आप कॉमन करेंगे तो थ्री, और इसमें से अगर थर्टीन को कॉमन किया जाए तो ये रूट फोर बचेगा, यहाँ से रूट थर्टीन को कॉमन किया जाए तो रूट नाइन बचेगा। ठीक है, अब देखिए तो इससे ये कैंसिल, अब हमारे पास बचा क्या, रेस्ट टू, और यहाँ पर रूट फोर का वैल्यू टू होता है तो थ्री इंटू टू सिक्स माइनस, ये देखिए तो ये नाइन है तो नाइन का वैल्यू थ्री, तो रूट नाइन का वैल्यू थ्री, तो थ्री इंटू फोर ट्वेल्व। ठीक है, तो ये आ जाएगा टू माइनस सॉरी माइनस सिक्स आ जाएगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो इस तरीके से, या फिर माइनस वन बाई थ्री विच इज रेशनल। ठीक है, इसके बाद फोर नंबर अगर देखें तो रूट एट प्लस फोर रूट थर्टी टू माइनस सिक्स रूट टू, तो यहां से ये हमारा इरेशनल आएगा। देखिए इसको अगर हम ब्रेक भी करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, टू रूट टू हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करना चाहें तो थर्टी टू को आप क्या लिख सकते हैं, फोर, मतलब ये हो जाएगा फोर इंटू फोर रूट टू, ठीक है, माइनस सिक्स रूट टू। तो यहां से रूट टू को आप कॉमन लीजिएगा तो टू प्लस सिक्सटीन माइनस सिक्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, ये टेन और प्लस टू ट्वेल्व रूट टू, तो ये हमारा क्या है, इरेशनल है। ठीक है, ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऑन हर बर्थडे रीमा, यहाँ पे एक रीमा है कोई, ठीक है, रीमा डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स इन एन ऑर्फेंस। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स ही डिस्ट्रीब्यूटेड इज गिवन बाय, ये टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स है। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा है, ये पहला यहाँ क्वेश्चन है, ठीक है, ये दूसरा है कि फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट्स, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये फाइव प्लस रूट इलेवन इंटू फाइव माइनस रूट इलेवन। ठीक है, ये होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो वही ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला टर्म है, तो इसको हम क्या कर देंगे, फाइव का स्क्वायर माइनस रूट इलेवन का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे ट्वेंटी फाइव माइनस इलेवन, और ट्वेंटी फाइव माइनस इलेवन कितना होगा, 14 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाई रीमा इज 14। सेकेंड वन इज वॉट, राइट द मोरल्स वैल्यू डिपिक्टेड हेयर बाई रीमा, तो क्या मोरल वैल्यू शो किया गया रीमा के द्वारा। तो ये देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं टू हेल्प द पुअर, ठीक है, या फिर जो भी ऑर्फेन लोग हैं उसको ये खुश रखना चाह रही थी, ये भी इसका एक मोरल हमारा होता है कि जो भी उदास व्यक्ति हो, जो भी उस तरह से उस तरह का व्यक्ति ऑर्फेंस हो या फिर जो भी हो, ठीक है, उसको आप अगर खुश रखते हैं तो बहुत बढ़िया है, ये हमारा मोरल कर्तव्य भी है। ठीक है, और हमें पुअर जो भी लोग हैं, गरीब जो हैं, उनको हमें मदद भी करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका जो मोरल है वो आप खुद से आप लिख सकते हैं। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एट का पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, तो इसको देखिए सॉल्व अगर हम करें तो क्या लिख सकते हैं, थ्री, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये अगर हम फाइव के टर्म में लिखें तो नाइन इंटू फाइव लिखा जा सकता है। ठीक है, नाइन और फाइव, यहाँ पे अगर हम लिखें तो ट्वेंटी फाइव इंटू फाइव लिख सकते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, प्लस, ठीक है, 200 को आप 100 इंटू टू या फिर 10 रूट टू भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से 100 इंटू टू, और इसको आप लिख सकते हैं 25 इंटू टू। ठीक है, ये 25 इंटू टू है। अब ये देखिए तो 3 इंटू रूट 9 इंटू रूट 5 माइनस रूट 25 इंटू रूट 5 प्लस रूट 100 इंटू रूट 2 माइनस रूट 25 इंटू रूट
टू, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये थ्री आ जाएगा, तो थ्री थ्री जा नाइन रूट फाइव माइनस ये फाइव रूट, यहाँ पर ये फाइव है ठीक है ना, ये हो जाएगा फाइव रूट फाइव, ये हो जाएगा प्लस टेन रूट टू और माइनस फाइव रूट टू ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो फोर रूट फाइव और ये दोनों को सॉल्व करें तो प्लस फाइव रूट टू आ जाएगा ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर देखते हैं में है टू रूट थर्टी, तो थर्टी को हम क्या लिख सकते हैं, रूट सिक्स इंटू रूट फाइव भी लिख सकते हैं ठीक है, और ये रूट सिक्स हो जाएगा ठीक है। थ्री इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन फोर्टी को रूट ट्वेंटी एट इंटू रूट फाइव लिख सकते हैं ठीक है, ट्वेंटी एट इंटू फाइव और डिवाइडेड बाई रूट ट्वेंटी एट, और प्लस इसको हम लिख सकते हैं रूट इलेवन बाई रूट फाइव डिवाइडेड बाई रूट इलेवन इंटू रूट नाइन ठीक है। देखिए तो ये 28 से ये 28, ये 11 से 11 और ये 6 से ये रूट 6 कट गया, तो ये आया हमारे पास टू रूट फाइव माइनस थ्री रूट फिफ्टीन ठीक है, ये कितना आया थ्री रूट फिफ्टीन, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया प्लस रूट फाइव बाई थ्री ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस रूट फाइव प्लस रूट फाइव बाई थ्री, और इसको अगर हम फिर से हम सॉल्व करें थ्री एलसीएम लें तो आ जाएगा हमारे पास माइनस थ्री रूट फाइव प्लस रूट फाइव डिवाइडेड बाई थ्री, और ये हो जाएगा माइनस रूट टू टू रूट फाइव बाई थ्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज करते हैं ठीक है। थ्री नंबर में दिया गया है रूट सेवेंटी टू, तो रूट सेवेंटी टू को रूट थर्टी सिक्स इंटू रूट टू लिख सकते हैं, प्लस एट हंड्रेड को फोर हंड्रेड इंटू रूट टू लिख सकते हैं, और माइनस रूट एटीन को नाइन इंटू रूट टू लिख सकते हैं ठीक है। तो ये हो जाएगा सिक्स इंटू रूट टू प्लस ट्वेंटी रूट टू, और ये कितना हो जाएगा थ्री रूट टू ठीक है। तो यहाँ से सिक्स रूट टू ट्वेंटी रूट टू और माइनस, तो ये तो हो गया ट्वेंटी सिक्स सॉरी 26, ये दोनों को ऐड करेंगे 26 रूट टू और माइनस थ्री रूट टू, तो ये आ जाएगा 23 रूट टू। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। गुड बाय, जय हिंद।